छात्रों, मैं सत्येन सिंह आज आप सबके समक्ष डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है मूल्यांकन की व्यवहारात्मक गतिविधियों के बारे में आप सब समक्ष डिस्कस करेंगे। क्या क्या इनकी गतिविधियाँ होती हैं या व्यवहारात्मक गतिविधियाँ क्या है, इसके बारे में मैं आप सबको रूबरू कराऊंगा या इसके बारे में छात्रों अध्ययन करेंगे। अब देखिए छात्रों, तो सर्वप्रथम मूल्यांकन होता क्या है, पहले आप मूल्यांकन के बारे में छात्रों जान लीजिए। मूल्यांकन के बाद क्या व्यवहारात्मक है, क्या इसमें गतिविधियां हैं, तो इन सभी के बारे में मैं आपको अच्छे ढंग से समझाने या बताने वाला हूं कि क्या होते हैं इनके जो व्यवहारात्मक गतिविधियों में कौन कौन सी गतिविधियाँ आती हैं या इनके कौन कौन से कौशल इसमें आते हैं, तो इन सभी के बारे में छात्रों में बताऊंगा। तो अब देखें यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है मूल्यांकन, तो मैं आपको देखिए मूल्यांकन के बारे में जान लें कि मूल्यांकन यह दो शब्दों से मिलकर छात्रों बना है। जो पहला मूल्य धन अंकन है या मूल्यों का अंकन करना ही छात्रों मूल्यांकन कहलाता है, या मूल्यांकन के माध्यम से किसी भी छात्र के जो गुण दोषों की विवेचना करने का कार्य किया जाता है, या तो ऐसे कह सकते हैं छात्रों किसी भी बालक या छात्र के गुण दोषों की विवेचना करना ही उसका मूल्यांकन कहलाता है छात्रों। तो ये जो मूल्यांकन है, तो मैंने आपको बताया कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल धन अंकन से मिलकर यानी मूल्यांकन हो गया। अगर देखा जाए छात्रों तो जो ये मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन के संदर्भ में देखें कई डिफिनेशन है। जैसे मैं आपको टर्गसन के अनुसार बता रहा हूँ, तो टर्गसन एंड एडम्स ने या टर्गसन एवं एडम्स ने किस तरीके से जो है टर्गसन एवं जो चिल्ड्रंस ने किस तरीके से मूल्यांकन को डिफाइन किया है, तो इन्होंने इस तरीके से बताया है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है छात्रों जो किसी वस्तु के या व्यक्ति के मूल्यों को निश्चित करने का कार्य करें छात्रों। तो इसी प्रकार जो शैक्षिक मूल्यांकन है छात्रों, शिक्षण प्रक्रिया एवं सीखने की प्रक्रिया तथा अनुभवों की उपयोगिता के आधार पर जो निर्णय देने का कार्य छात्रों किया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को ही हम छात्रों मूल्यांकन कहते हैं। तो इन्होंने कहने का मतलब, पहली बात क्या मूल्यांकन होता है, क्या शैक्षिक मूल्यांकन है, दोनों के बारे में इन्होंने बता दिया। तो अब टर्गसन एवं एडम्स के बाद आगे जो डिफिनेशन छात्रों आती है वो क्यूलिंग एवं हन्ना की डिफिनेशन छात्रों आती है। इसमें किसकी डिफिनेशन आती है छात्रों, क्यूलिंग एवं हन्ना की डिफिनेशन। तो हम मूल्यांकन के बारे में बता रहे हैं छात्रों, तो क्यूलिंग एवं हन्ना ने ये बताया है कि विद्यालय या शिक्षालय में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन, अनुभवों तथा प्रमाण पत्रों का एकत्रीकरण करना ही मूल्यांकन कहलाता है छात्रों। तो मैं टर्गसन एवं एडम्स के बारे में बताया, क्यूलिंग एवं हन्ना की डिफिनेशन छात्रों बताया। तो क्यूलिंग एवं हन्ना की जो डिफिनेशन है, इसी के बाद फिर आगे आता है एक डिफिनेशन और है, क्रॉनबैक की डिफिनेशन आता है। तो क्रॉनबैक ने मूल्यांकन के बारे में ये बताया है कि छात्र एवं शिक्षक इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति कहाँ तक सफल हुई है, यानी शिक्षक इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति कहाँ तक सफल हुई है या नहीं हुई है। यही प्रक्रिया ही हमारी मूल्यांकन कहलाती है। तो मैं एक आपको गिलफोर्ड के अनुसार मूल्यांकन के डिफिनेशन छात्रों के बारे में बता रहा हूँ या छात्रों बता रहे हैं कि इन्होंने सीधे डिफिनेशन मूल्यांकन के बारे में ये बताया है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी वस्तु या व्यक्ति को मूल्य प्रदान करे। अगर देखा जाए छात्रों, तो जो मूल्यांकन है
मूल्यांकन की जो प्रकृति क्या होती है, मूल्यांकन एक गुणात्मक कह सकते हैं प्रक्रिया होती है। इसमें छात्रों के गुणों के बारे में अध्यापक जानकारी लेने का कार्य करता है छात्रों। तो ये मैं आपको मूल्यांकन के बारे में छात्रों बताया। तो अब मूल्यांकन के उसके बाद ये कहता है व्यवहारात्मक गतिविधियाँ। अगर देखें छात्रों तो जो ये मूल्यांकन के व्यवहारात्मक जो गतिविधियाँ हैं, तो पहले हम व्यवहार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अगर देखें छात्रों कि व्यवहार होता क्या है, ये व्यवहार से जुड़ा हुआ एक शब्द है जिनको हम कहते हैं व्यवहारात्मक, जिसको अंग्रेजी में छात्रों व्यवहारिज्म के नाम से इसको हम जानते हैं। अगर देखा जाए तो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अगर व्यवहार के विषय में देखा जाए तो इसमें जो है, इसमें जो डिफिनेशन आती है कि व्यवहारवाद की क्या विशेषताएं होती हैं, तो इसमें पहली बात छात्रों नियमितता पाई जाती है, नियमितता। तो अगर इसके बारे में देखा जाए तो जो हमारी व्यवहारात्मक की विशेषता होती है, इसमें नियमितता का पाना ही अत्यंत ही आवश्यक होता है। अब इसमें देखा जाए तो जो नियमितता हो गया, सत्यापन हो गया, वेरिफिकेशन जिसको कहते हैं, तो ये सभी जो है गतिविधियों का होना व्यवहारात्मक में अत्यंत ही आवश्यक होता है। अगर देखें तो चार्ल्स मेरियम, अगर व्यवहार विषय में देखें छात्रों तो इसमें चार्ल्स मेरियम थे। तो चार्ल्स जो मेरियम ने सर्वप्रथम अपने पुस्तक में व्यवहारात्मक या व्यवहार शब्द का इन्होंने प्रयोग करने पर बल दिया। अगर व्यवहार का विषय में बात करें छात्रों, इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग था 19वीं सदी के अंत में या 19वीं सदी में इस शब्द का प्रयोग किया गया था छात्रों, व्यवहारात्मक शब्द का, जो व्यवहार से जुड़ा हुआ शब्द है। तो मैं आपको जो है बताया, अब इसमें जो अच्छे व्यवहारात्मक विशेषताएँ होती है नियमताएँ, सत्यापन हो गया छात्रों, इसमें सत्यापन जो व्यवहारात्मक या विशेषताएँ होती है व्यवहारवाद विशेषताएँ, तो इसमें क्या होती है, नियमितता होती है, सत्यापन हो गया छात्रों। फिर उसके बाद तकनीक हो गया, तकनीक हो गया, नियमितताएँ, सत्यापन, तकनीक। तो अब इसके बारे में जान लें कि व्यवहारात्मक की जो दूसरी विशेषताएँ होती हैं, इसमें सत्यापन का गुण पाया जाता है, सत्यापन का गुण इसमें प्रायः पाया जाता है, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन, सत्यापित किया जाता है व्यवहार को। तो इसी तरीके से ये कहता है कि जो व्यवहारवाद की या व्यवहारात्मक शब्द की जो तीसरी या जो दूसरी विशेषता होती है सत्यापन। फिर उसके बाद जो है नंबर थर्ड आता है तकनीकी। तो ये जो व्यवहारात्मक शब्द है, इस शब्द को किस ढंग से जो है, किस तकनीक के माध्यम से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है या कैसे प्रस्तुत करना चाहिए, तो ये जो है व्यवहारात्मक जो शब्द हैं इसकी जो विशेषताएं होती हैं मैंने बताया, नियमताएं, सत्यापन, तकनीक, प्रविधि कह सकते हैं, प्रविधि भी आता है इसमें, तकनीक है, उसके बाद कह सकते हैं प्रौद्योगिक, कुछ जो है प्रौद्योगिकियाँ भी हैं कि जिनके माध्यम से जो है व्यवहारवाद को और आगे बढ़ाने का कार्य भी छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो मैं आपको जो है व्यवहारात्मक शब्द के बारे में बात किया। फिर अब आते हैं छात्रों गतिविधियाँ क्या होती हैं। अगर छात्रों हम गतिविधियों के बारे में बात करें तो जो हमारे गतिविधि एक आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में छात्रों पढ़े होंगे गतिविधि आधारित शिक्षण। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं कि गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है। तो गतिविधि आधारित जो शिक्षण है, इस शिक्षण का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु में किसी के माध्यम से या विषय वस्तु में किसी के माध्यम से उसमें गति जो प्रदान करने का कार्य किया जाता है, तो उसी को हम
गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं। तो लेकिन अब बात यहाँ पर आती है गतिविधियाँ। तो गतिविधियाँ अगर देखा जाए छात्रों, तीन तरह की गतिविधियाँ होती हैं छात्रों, जिनमें पहला क्या आता है, शारीरिक गतिविधियाँ आती हैं छात्रों। पहला शारीरिक गतिविधियाँ हो गया छात्रों। फिर शारीरिक जो गतिविधियों के बाद जो हमारा दूसरा आता है वो मानसिक गतिविधियाँ हो गया छात्रों। फिर मानसिक गतिविधियों के बाद एक जो नंबर थर्ड आता है छात्रों, शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियाँ, शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियाँ। तो अब आप लोग इसके बारे में जान लें कि शारीरिक गतिविधियाँ क्या है। कुछ गतिविधियाँ ऐसी होती हैं जो केवल शरीर के माध्यम से गति प्रदान करने का कार्य किया जाता है। जैसे मैंने आपको बता दें, आप सबको, जैसे पीटी या व्यायाम का कार्य किया जाता है, कभी कभी जो कदम ताल ऊपर नीचे किया जाता है, जो एक्सरसाइज का कार्य इसमें किया जाता है छात्रों, तो ये इस सभी जो गतिविधियों को छात्रों हम क्या कहते हैं, शारीरिक गतिविधि कहते हैं। क्योंकि इन सभी जो गतिविधियों के माध्यम से हमारी जो है शारीरिक क्रियाशीलता का जो मार्ग आगे बढ़ता है, या तो जो है क्रियाशीलता के मार्ग में छात्रों वृद्धि होता है। आप देखें छात्रों, शारीरिक जो है गतिविधियों के बाद फिर जो नंबर दो गतिविधि हमारी आती है वो मानसिक गतिविधि है छात्रों। अब देखें तो मानसिक गतिविधियाँ क्या होती हैं। तो मानसिक गतिविधि ऐसी जो है गतिविधियों को कहा जाता है जो कि मानसिक रूप से कोई कार्य किया जाता हो। जैसे इसमें लेक्चर आता है छात्रों, लेक्चर जिसको कहते हैं व्याख्यान कहते हैं। जो आप लोग इसके पहले व्याख्यान प्रोधि के बारे में पढ़े होंगे, तो मैंने उसमें भी बताया था कि व्याख्यान हो गया, जैसे कोई नेता या लीडर कह सकते हैं, या तो जो मिनिस्टर होते हैं अपने विचारों को जो है छात्रों तक जो पहुंचाने या समझाने का वो प्रयास करते हैं, तो ये भी जो है कौन सी गतिविधि में आएगा छात्रों, मानसिक गतिविधि के तहत ये भी प्रक्रिया समाहित होती है। अब देखें छात्रों, तो जो मानसिक गतिविधियों के बारे में देखा जाए तो इसमें मस्तिष्क का विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों इसमें किया जाता है। जो मानसिक जो है गतिविधियां है, इस गतिविधि के तहत छात्रों के अंदर मानसिक क्या या तो जो क्या उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, इस पर विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों के होता है। फिर आगे जो आता है हमारा शारीरिक एवं मानसिक गतिविधि आता है छात्रों। कुछ गतिविधियाँ ऐसी होती हैं जो कि शारीरिक एवं मानसिक दोनों जो है गतिविधियों से उनका संबंध निहित होता है। अब देखें, जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, जैसे अगर व्याख्यान प्रौद्योगिकी अगर हम विषय में बात करें, जैसे कोई लीडर है तो व्याख्यान प्रौद्योगिकी अगर हम प्रयोग या वो व्यक्ति कर रहा है, तो उसमें शारीरिक एवं मानसिक दोनों का गतिविधियों का वह प्रयोग करके जो वहाँ पर समाज में जो व्यक्ति हैं उनको समझाने और बताने का कार्य जो है ये विधियों के माध्यम से करता है, जिनको हम शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के नाम से छात्रों इनको जानते हैं। अगर देखें छात्रों, तो जो शारीरिक एवं मानसिक जो गतिविधियों में हमारा जो व्याख्यान है, व्याख्यान जिसको हम लेक्चर टेक्निक के नाम से छात्रों जानते हैं, तो व्याख्यान में जो है लेक्चर टेक्निक क्या है, व्याख्यान है उन तथ्यों एवं सिद्धांतों का स्पष्टीकरण है, जिसमें शिक्षक यह चाहता है कि उसके सुनने वाले भी उसको समझें। तो कहने का मतलब यह है किसी भी ढंग से वो अपनी बात या विचारों को जो व्याख्यान को विस्तृत रूप से समझाने या बताने का कार्य किया करता है, तो उसी को हम शारीरिक एवं मानसिक गतिविधि के नाम से उसको हम जानते हैं। अगर देखें तो व्याख्यान के विषय में है, तो इसके क्या गुण होते हैं छात्रों, पाठ और प्रस्तुतिकरण करने में सहायक,
पाठ की पुनरावृत्ति करने में सहायक होता है। तो फिलहाल यह तो जो व्याख्यान मैं प्रौद्योगिकी के बारे में आपको समझाने बताने के लिए इसका प्रयोग किया, तो ये था जो है मूल्यांकन के व्यवहारात्मक जो गतिविधि। अगर जो व्यवहारात्मक गतिविधि है उस जो है गतिविधि में जाया जाए तो इसमें कौशलात्मक जो है गतिविधि जो है उसका विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान रहता है। अगर देखा जाए छात्रों तो जो ये कौशलात्मक गतिविधि है या जो कौशलात्मक मूल्यांकन का जो कौशलात्मक पक्ष है इसमें उद्दीपन आता है, इसमें अनुक्रिया होता है, फिर आदत, फिर स्वाभाविकरण हो गया। इन सभी जो है अगर उद्दीपन के बारे में देखें, पहला उद्दीपन हो गया, दूसरा इसमें कार्यवाही हो गया और तीसरा जो है अनुक्रिया हो गया। तो अनुक्रिया कह सकते हैं छात्रों, तो अनुक्रिया के बाद फिर इसमें स्वाभाविकरण होता है, फिर आदतों का विकास होता है। तो उद्दीपन में छात्रों क्या चीज आती है, जो उद्दीपन है छात्रों इसको हम स्टिमुलस के नाम से छात्रों इसको हम जानते हैं। और इसमें जो है छात्रों को किसी भी क्रिया के प्रति इसमें उद्दीपन का भाव निहित होता है, तो इसीलिए जो है उद्दीपन का होना अत्यंत ही मस्त होता है छात्रों। फिर इसी क्रम में छात्रों जो दूसरा हमारा जो है मूल्यांकन की जो कौशलात्मक कह सकते हैं जो कौशल को विकसित करने का कार्य करते हैं उसमें जो एक्टिविटीज है जो इसमें गतिविधियां आती है छात्रों उसमें कार्यवाही आता है। कार्यवाही का मतलब छात्रों यह है अब किस किस ढंग से आप कौन कौन से टॉपिक का प्रयोग करके इसमें गतिविधि में कार्य करने के प्रारूपों का फॉलो किया है। कार्यवाही आता है, फिर अनुक्रिया आता है। अनुक्रिया जो है छात्रों के माध्यम से कुछ क्रिया करने का कार्य इसमें किया जाता है अनुक्रिया में। तो जो ये अनुक्रिया हो गया तो अनुक्रिया के बाद फिर आगे आता है स्वाभाविकरण हो गया छात्रों, फिर स्वाभाविकरण के बाद फिर आदतों का विकास। अगर इन सब के देखें छात्रों ये मूल्यांकन का जो कौशलात्मक अगर देखें छात्रों तो कौशलात्मक क्या होता है, कौशलात्मक विषय देखें जो कि ये कुछ गतिविधियों को जन्म देने का कार्य करती है। देखें छात्रों तो जो कौशलात्मक हम उनको कहते हैं जिनमें शारीरिक रूप से कुछ या मांसपेशी या आंगिक रूप से जिनमें मांसपेशियों का छात्रों विकास का कार्य किया जा सके, तो इसी को जो है हम कहते हैं कौशलात्मक। तो मूल्यांकन के जो कौशलात्मक या गतिविधियाँ हैं इसके अंतर्गत इन सब के माध्यम से हम छात्रों के अंदर कौशलात्मक गुणों के या कुछ जो कौशल होते हैं उनके जो कौशलों को विकसित करने में सहायक होते हैं या विकास का कार्य करने में हमको सहायता मिलती है। तो ये मैंने पहले उद्दीपन बताया, कार्रवाई अगर देखा जाए तो मूल्यांकन के कुछ छात्रों कौशल भी होते हैं। अब इन कौशलों के बारे में हम आप सबके समक्ष डिस्कस करेंगे। अब देखें तो जो मूल्यांकन के व्यवहारात्मक गतिविधि है या व्यवहार में कौन कौन से गतिविधियाँ इसमें प्रयोग की जाती हैं अगर देखा जाए तो कुछ कौशल। अब आप लोग जो है मूल्यांकन के कुछ जो कौशल थे या मूल्यांकन की जो कौशल या इनकी जो गतिविधि है गतिविधि के बारे में छात्रों देखें तो उसमें कई तरीके से जो है कुशलताएं या गतिविधियां मूल्यांकन में पाई गई हैं छात्रों। जैसे इसमें सामाजिक कौशल। अब इसके बारे में छात्रों आप लोग जान लीजिए सामाजिक कौशल किसको कहते हैं। अब देखें छात्रों जो सामाजिक कौशल के बारे में देखें तो जिसको हम बोलते हैं सोशल स्किल बोलते हैं। तो सामाजिक कौशल
ऐसे कौशलों को कहा जाता है जो कि छात्रों के व्यवहार को ये समाज में किस ढंग से प्रदर्शित करना है उसके लिए रूपरेखा तैयार करने का कार्य करता है, जिसको हम सामाजिक कौशल कहते हैं। या तो ऐसे कह सकते हैं, व्यक्ति को समाज के प्रति समायोजन करने की जो योग्यता एक छात्र के अंदर जो छात्रों पाई जाती है, उन्हीं जो है कौशल को हम छात्रों सामाजिक कौशल कहते हैं। इसमें देखा जाए जो समाज के रीति रिवाज हो गया, जो धर्म हो गया की कुशलता जो एक छात्र के अंदर जो निहित होती है छात्रों, इन सभी जो कौशलों को हम सामाजिक कौशल छात्रों कहते हैं, जिसको हम सोशल स्किल के नाम से छात्रों जानते हैं। अगर ऐसे कहा जाए छात्रों, समाज के प्रति छात्रों में जो समायोजन की भावना विद्यमान रहती है उन्हीं को हम सामाजिक कौशल कहते हैं। अगर देखा जाए तो सामाजिक कौशल में एक छात्र का व्यवहार का प्रदर्शन भी उसमें किया जाता है। अगर देखा जाए तो सामाजिक कौशल के कुछ उपकरण या इनके भी छात्रों कुछ टूल्स होते हैं छात्रों। अब देखें जो सामाजिक कौशल के कुछ उपकरण जो टूल्स हैं कि जिनके माध्यम से छात्र समाज के प्रति या समाज में कुशलताओं का विकास उनका होना कार्य प्रारंभ हो जाता है। आप देखें तो अगर इनके हम टूल्स या उपकरण के बारे में देखें, एक सोशियोमेट्रिक आता है छात्रों, जिसको हम कहते हैं समाज मिति कहते हैं छात्रों, समाज मिति हो गया। समाज मिति के बाद अब इसको हम क्या कहते हैं, सोशियोमेट्रिक कहते हैं। अब इसी के बाद एक आता है सोशियोग्राम, एक जो है अगला आता है इसमें सोशियोग्राम। अगर इसके बारे में देखें छात्रों, ये सामाजिक कौशल को विकसित करने वाले दो टूल्स हैं या टू टूल्स या दो टूल्स या दो उपकरण हैं कि जिनके माध्यम से छात्रों के अंदर सामाजिक कौशल का विकास का कार्य होना प्रारंभ हो जाता है। अब देखें समाज मिति क्या होती है छात्रों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें आप लोग। देखिए समाज मिति के बारे में देखें तो यह जो है अनुसंधान की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ एक शब्द होता है। अनुसंधान के शब्द या शैक्षिक जो अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक शब्द होता है जिनको हम समाजमिति कहते हैं। समाजमिति जिसको हम सोशियोमेट्रिक कहते हैं, ये हमेशा ही जो है समाज को मापने का कार्य करता है। अगर इसके बारे में देखें तो समाजमिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोरिन ने सर्वप्रथम समाजमिति शब्द का ये प्रयोग किया था, जो कि यह समाज को मापने का कार्य करता है कि समाज को किस ढंग से मापा जा सकता है। तो ये टूल्स बताए हैं जिनको हम सोशियोमेट्रिक्स के नाम से इसको हम जानते हैं। फिर अगला जो टूल्स है सामाजिक कौशल को विकसित करने में सोशियोग्राम है। अगर इसके बारे में देखें छात्रों, सामाजिक कौशल को विकसित करने के लिए जो दूसरा टूल्स या महत्वपूर्ण जो उपकरण है वो सोशियोग्राम है, जो कि समाज को विकसित करने के लिए या छात्रों के अंदर समाज को विकसित करने के गुणों जैसे कुछ उपकरण का विकास या कुछ उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से छात्र जो है उन गुणों का जो है विकास कर सकता है। अगर देखें छात्रों, सोशल का मतलब समाज से होता है। समाज क्या चीज होता है, आप लोगों के छात्रों दिमाग में बातें आती होंगी कि समाज किसको कहते हैं। अगर इसके बारे में देखें छात्रों, समाज का मतलब होता है, जैसे इसमें मैकाइवर एवं पेज ने अपनी एक डिफिनेशन दिया था छात्रों, कि जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का एक जाल है छात्रों, सामाजिक संबंधों का एक जाल है जिनको हम समाज के नाम से इसको हम जानते हैं।
तो सामाजिक कौशल को विकसित करने के लिए अगर व्यक्ति के अंदर देखा जाए तो जो तार्किक रूप से सोचने समझने एवं कार्य करने की क्षमता का भी विकास उनके अंदर बहुत तेज़ी के साथ होना या प्रारंभ हो जाता है। जब व्यक्ति समाज के प्रति गहरा उनके अंदर कुशलता की भावना का विकास अगर होता है तो उसी के तहत व्यक्ति में सोचने या तार्किक ढंग से या जो है तर्क करने की क्षमता का उनके अंदर विकास का कार्य होना प्रारंभ हो जाता है। छात्रों, तो मैं अभी आप लोग जो मूल्यांकन के व्यवहारात्मक गतिविधि के अंतर्गत मूल्यांकन के जो गतिविधि में सामाजिक कौशल के बारे में छात्रों बताया। जो सामाजिक कौशल के बाद अगला जो कौशल छात्रों आता है उसको हम गणितीय कौशल कहते हैं। छात्रों, कौन सा कौशल छात्रों? गणितीय कौशल। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं छात्रों कि गणितीय कौशल क्या है। तो गणित संबंधी छात्र के अंदर गणित संबंधी जो कुशलताओं का विकास का कार्य उनके अंदर जो हो जाता है तो उसी को हम जो है गणितीय कौशल कहते हैं। जैसे जोड़ घटाना हो गया, तो जोड़ घटाने के साथ साथ कोई इक्वेशन हो गए, किसी समीकरण को जल्द से जल्द उनके अंदर जो हल करने की क्षमता हो जाती है। और जैसे अगर हम गणितीय कौशल की अगर घटक के बारे में जानें, जैसे इसमें सांख्यिकी आता है, सांख्यिकी का ज्ञान, तो सांख्यिकी का जो ज्ञान भी है यह जो है गणितीय कौशल के प्रमुख कौशलों या घटकों के रूप में आते हैं। कि जो बालक अगर गणित के बारे में उनके अंदर जो कौशलों का विकास होता है उनके कौशलों में वो प्रायः सांख्यिकी का ज्ञान का उनको होना अत्यंत ही छात्रों आवश्यक होता है। इसमें किसी भी जो है संख्याओं के माध्यम से जोड़ घटाना जो आदि के बारे में जो है छात्रों के अंदर जानकारी हो जाता है। जैसे कोई समीकरण हो गया उनको भी हल करने की, और जो है तार्किक रूप से कोई तर्क करने का, जैसे कोई जो रीजनिंग हो गया या उसको भी हल करने की जो कुशलता एक व्यक्ति के अंदर जो प्रायः पाई जाती है छात्रों, तो उसी कौशल को ही छात्रों हम गणितीय कौशल कह सकते हैं। या तो दूसरे शब्दों में छात्रों हम ऐसे कह सकते हैं कि गणितीय कौशल उन कौशलों को कहा जाता है कि जिसमें छात्र गणित के प्रति जो उनके अंदर कुशलताओं का विकास होता है। या तो ऐसे कहें कि गणित विषय के प्रति छात्रों में जिन जिन कुशलताओं का विकास होता है तो उन्हीं जो है कुशलताओं को छात्रों हम गणितीय कौशल के नाम से छात्रों उसको जानते हैं। गणित में जिन कौशलों का विकास छात्रों के अंदर हो जाता है उसी को हम गणितीय कौशल के नाम से उसको हम जानते हैं। अब देखें छात्रों, जो ये गणितीय कौशल के बारे में मैं आप सबको इसके बारे में बताया। अब जो गणितीय, पहले तो मैंने सामाजिक कौशल के बारे में बताया, फिर गणितीय कौशल के बारे में बताया, फिर अगला जो नंबर थर्ड आता है हमारा छात्रों यांत्रिक कौशल आता है। यांत्रिक जो अगला हमारा कौशल है छात्रों, यांत्रिक कौशल। तो अब यांत्रिक कौशल के बारे में छात्रों जान लेते हैं कि यंत्रों के माध्यम से, इसमें बोलते हैं मैकेनिक स्किल, इसको इंग्लिश में जानते हैं छात्रों। तो मैकेनिक का मतलब ये आप लोग जानते होंगे कि यंत्रों, तो यंत्रों के माध्यम से व्यक्ति जिन जो है कुशलताओं या जिन जिन यंत्रों में व्यक्ति या बालक कुशल हो जाता है छात्रों उन्हीं को जो है यांत्रिक कौशल कहते हैं। तो यंत्रों के माध्यम से जो बालक को जो सीखने में सहायता मिलती है उसी को हम छात्रों यांत्रिक कौशल कहते हैं। तो यंत्रों के माध्यम से कौन से यंत्र होते हैं? जैसे छात्रों हम बात कर लेते हैं सीपीयू हो गया, एक कंप्यूटर का दिमाग का एक यंत्र है सीपीयू हो गया, जैसा कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा कि बात करें ये तो पूरा नाम हो गया, जैसे जो कंप्यूटर के बारे में जानकारी देने के जैसे सीपीयू, सीपीयू के बारे में जैसे
बनाना हो गया, बिगाड़ना हो गया। जो छात्र बना लेता है सीपीयू कि सीपीयू इसके अंदर कैसे चलता है, कैसे कार्य करता है, तो उसके अंदर एक छात्र के अंदर जो इन सब गुणों का जो विकास का कार्य होना प्रारंभ हो जाता है छात्रों, तो उसी कौशल को ही हम छात्रों यांत्रिक कौशल या जो यंत्रों के माध्यम से व्यक्ति किसी कार्य में जो निपुण होते हैं उसी वही इसकी क्या कहलाती है बोलो, कुशलता कहलाती है छात्रों, या उसी को ही जो है यांत्रिक कौशल के नाम से छात्रों उसको हम जानते हैं। तो यांत्रिक कौशल में मैंने आपको देखा कि जो है सीपी हो गया, या जैसे जो है कंप्यूटर के भागों के बारे में खोलना बिगाड़ना या उसके बारे में जो जानकारी छात्र हासिल कर रहा है, तो ये सभी सारी चीज़ें जो है किसके अंतर्गत आता है छात्रों, यांत्रिक कौशल के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। अब देखें छात्रों, जैसे यांत्रिक कौशल के बाद जैसे कोई मशीनरी आ गया, कोई जो छी इलेक्ट्रिक का कार हो गया, तो ये भी जो है किसमें आएगा, जो छी यांत्रिक कौशल के अंतर्गत। जैसे कोई बोर्ड, आप घर के बोर्ड हैं तो उसको याद, फिर जैसे टेलीविज़न बनाने का प्रारंभ कर रहे हैं, तो जैसा जो हमारा टेलीविज़न है उसको जो है खोलने बिगाड़ने के लिए जो एक व्यक्ति के अंदर जो कुशलताएं पाई जाती है छात्रों, ऐसी सभी कुशलताएं ही उनको जो है यांत्रिक कौशल के का जो जन्म देने का छात्रों कार्य करती है, उसी कौशल को जो है यांत्रिक कौशल कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं छात्रों मैकेनिक स्किल के नाम से छात्रों उसको जानते हैं हम। अब यांत्रिक कौशल के बाद छात्रों जो अगला हमारा कौशल आता है छात्रों, वो कौन सा कौशल है, भाषा कौशल, या इसको छात्रों भाषाई, इसको क्या बोलते हैं छात्रों, भाषाई कौशल। अगर इसके बारे में देखें छात्रों, इसको भाषाई कौशल कहते हैं या इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लैंग्वेज स्किल के नाम से इसको हम जानते हैं। अब देखें, अगर स्किल के बारे में जानें या कुशल या कौशल के नाम से जो कौशल शब्द है, जो कुशलताएं हैं, कई प्रकार की छात्रों कुशलताएं होती हैं। अब देखें जैसे भाषाई कौशल, तो भाषाई कौशल ऐसे कौशलों को छात्रों कहा जाता है कि जिनके माध्यम से छात्रों में बोलने, विचार व्यक्त करने की क्षमता का विकास हो जाता है, या भाषाई कौशल ऐसे कौशलों को कहा जाता है कि जो कि बालकों को सोचने समझने एवं जो तार्किक रूप से कोई कार्य करने की जो क्षमता एक व्यक्ति के अंदर या बालक के अंदर जो विद्यमान होती है छात्रों, तो उसी को हम भाषाई कौशल के नाम से छात्रों इसको जानते हैं। अगर देखें छात्रों, जो भाषाई कौशल होते हैं छात्रों, इसके भी कुछ घटक होते हैं, कुछ इनके घटक होते हैं छात्रों, जैसे इनके कंपोनेंट में सोचना समझना एवं कार्य करने की क्षमता, जैसे सोचने समझने एवं भाषण देने से है। जो भाषाई कौशल के प्रमुख घटक क्या होता है, सोचना हो गया, इसमें सोचना समझना हो गया छात्रों, और इसमें भाषण देने की, सोचना समझना एवं कार्य करना, ये सभी देखा जाए छात्रों, ये जो है भाषाई कौशल के ये प्रमुख घटक के रूप में छात्रों जाने जाते हैं, या यही जो है भाषाई कौशल है। अगर देखा जाए तो जो भाषाई कौशल है, अगर इनके हम उद्देश्य के बारे में देखें छात्रों कि इनका क्या होते हैं उद्देश्य, अगर इनके हम उद्देश्य के बारे में देखें, इसमें भाषा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, भाषा का अभिव्यक्ति या भाषा के अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास करना, अच्छे ढंग से भाषा को जो बोला जाए, तो ये सभी जो है भाषा जो कौशल होते हैं या जो भाषाई जो कौशल होते हैं छात्रों, ये भाषाई कौशल के ये प्रमुख ये क्या होते हैं छात्रों, घटक होते हैं।
तो छात्रों ये मैं आज आप लोगों को जो ये भाषाई कौशल के बारे में बताया, तो ये जो कौशल हैं मैं आपको जैसे मूल्यांकन के गतिविधियों के बारे में बताया, तो जो गतिविधि है उसमें सामाजिक कौशल आते हैं, सामाजिक कौशल के बाद फिर जो है यांत्रिक या फिर गणितीय कौशल, फिर यांत्रिक कौशल हो गया, फिर इन सभी जो यांत्रिक कौशलों के बाद फिर एक जो लास्ट में आता है छात्रों भाषाई कौशल। तो ये जो है मूल्यांकन के ये व्यवहारात्मक गतिविधियाँ हैं छात्रों। फिर छात्रों हम मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ।